शायद लोगों ने सही बोला कि इस बाइक में जो न्यू वन क्लासिक 350 है, इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है। थर्ड सर्विस के बाद में मुझे 35 आई थिंक मिलेगी, 36 मिलेगी, बट फाइनली मुझे जाके सो हेलो एवरीवन, हाय कैसे हो आप लोग, विवेक डायरीज में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक डायरीज। तो मैं हूँ अपने बसंत के साथ, यानी कि मेरा रॉयल एनफील्ड न्यू वन क्लासिक के साथ। एंड आज कुछ छोटा सा कुछ डिस्कस करते हैं इस बाइक के ऊपर। बहुत सारे काफ़ी मैंने वीडियोस बना चुके हैं इस बाइक के ऊपर। हम आज डिस्कस करेंगे कि मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स का मैं यही कमेंट नहीं कर पा रहा था कि बहुत लोगों ने बाइक खरीदी, सेम बाइक खरीदी, ये बाइक खरीदी, लेकिन मैं उनको मैं अच्छे से उसका रिस्पॉन्स दे नहीं पा रहा हूँ, रिप्लाई नहीं दे नहीं पा रहा हूँ। और इवन बहुत लोग पूछते हैं कि इंस्टाग्राम में आपका मतलब हम आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो यस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, फेसबुक का दे रखा है और इंस्टाग्राम का भी दे चुका हूँ। और सो ये जगह मेरा यही पे मैं ज़्यादातर नॉर्मली कभी अगर वक्त हो तो ब्लॉगिंग करने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम यही पे मैंने ब्लॉग बनाया था जो इस बाइक के ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि घर से निकलता हूँ सुबह, फिर यही एक रास्ता मिलता है जहाँ पे मैं अपना ब्लॉग शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, रात फिर ऑफिस निकलते हैं, रात हो जाता है, तो सोचता हूँ कि कब बनाऊँ। ऑफिस में तो बना सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस में जो इन्वायरमेंट है वो आपको पता था कैसा होता है, माहौल कैसा होता है। तो इसलिए सोचा कि ऑफिस जाने से पहले कुछ छोटा सा कुछ आप डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, जैसे कि मैं न्यू वन क्लासिक 350 के ऊपर मैं बहुत लोग कुछ कन्फ्यूज रहते हैं कि इसका इंजन जो रॉयल एनफील्ड न्यू वन इंजन जो है, इंजन इतना सही नहीं बना है वैसा वैसा, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ की मैंने थर्ड सर्विसिंग कम्प्लीट होने के बाद कुछ आवाज़ें आ रही थी इस बाइक में, तो वो छोटा सा इशू था, वो इतना बड़ा इशू नहीं था। मैं आपको बाइक का पार्क अच्छे से पार्क उसको स्टैंड लगा देता हूँ। ओके सो बहुत तो बोल रहे थे कि इस बाइक जब मैंने बोला था कि बाइक का थर्ड सर्विसिंग के बाद कुछ इंजन की कुछ आवाज़ें आ रही थी, हल्की हल्की से डक 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 कुछ आवाज़ें आ रही थी, मतलब कि ये डक डक नहीं, ये अलग सा कुछ अंदर से आवाज़ फिल्टर की आवाज़ आ रही थी, तो वो मैं सोचा था कि शायद इसमें कुछ इशू है, मैं अपना सर्विस सेंटर में जाके मैं इसको ठीक कराऊंगा। बट अल्टीमेटली जाके फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर ब्लॉग बनाया था, शायद इसी जगह पे मैंने बनाया था, यस आई रिमेंबर, इसी जगह पे बनाया था। तो फिर जब लोगों ने कमेंट की थी, एक दो ने कमेंट की थी कि शायद लोगों ने सही बोला कि इस बाइक में जो न्यू वन क्लासिक 350 है, इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, वैसा एक्चुअली कुछ नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, इस बाइक में जो बाइक जो अभी रॉयल एनफील्ड ने दी है, ये बहुत ही रिफाइंड इंजन है। क्योंकि देखो, अभी ये जो लोग खरीद रहे हैं न्यू वन क्लासिक 350 खरीद रहे, लोगों को पसंद भी आ रही है, सो इसलिए मैं इसके ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ कि लोगों को पसंद आ रही है, और बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ रही है, जैसे कि बहुत लोगों ने इस बाइक के ऊपर बहुत लोगों ने कंप्लेन की है कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ, और इसका जो आपका जो पहले जैसा डग डग साउंड, ये देखो ये सब एक सेकेंडरी चीज़ें हैं। आपको बस आपको क्या चाहिए, बाइक का सर्वे आपका कंफर्टेबल चाहिए, बाइक का आपको कैसे माइलेज दे रही है, माइलेज के भी बात बताऊंगा अच्छे से। जैसे कि रिसेंटली अगर मैं गया था एक बहुत दूर गया था, मेघालय बॉर्डर बांग्लादेश के बॉर्डर साइड में गया था, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली थी कि बाइक में मुझे जो माइलेज थी वो माइलेज अब बरकरार बहुत अच्छा मिल रहा था। मैं सोचा था कि यार थर्ड सर्विस के बाद भी मुझे 35 आई थिंक मिलेगी, 36 मिलेगी, बट फाइनली मुझे जाके 40 के आसपास मुझे ये माइलेज मिल रही थी। सो दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी यार, मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा कि भाई मैं ये बाइक लेके मैंने पछता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। ऑलवेज यार मैं इस बाइक को सपोर्ट करता हूँ, पहले से मैं सपोर्ट करके आ भी रहा हूँ। जो पहले जो क्लासिक 350 थी, लोगों को वो भी पसंद थी, बट उनमें क्या थी कि कुछ कुछ सीट्स के वजह से मुझे बहुत परेशानी मिली थी, जहाँ पे मैंने लॉन्ग राइड की थी तो पीछे बैठ के की थी, मतलब इस बाइक में नहीं, पुराने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में। बट अभी जो न्यू वन क्लासिक 350 में सीट्स, इसके बारे में मैंने बहुत सारे बता चुका हूँ कि सीट्स की भी जो सीटिंग जो कंफर्टेबल है, बहुत ही मज़ेदार है। बट बाकी मैं अगर इंजन के बाद में मैं जहाँ पे मैं अटका हुआ था, इंजन के बारे में बताओ कि इंजन रिफाइंड इंजन है भाई, थर्ड सर्विसिंग के बाद भी कुछ हाँ हल्की सी कुछ आवाज़ आ रही थी, बट वो सॉर्ट आउट हो गया था, वो दो तीन दिन के बाद खत्म हो गया, क्योंकि आफ्टर सर्विसिंग के बाद रहती है कुछ हल्की हल्की सी चीज़ें, वो आपको पहले नहीं पता चलेगा, बाद में आफ्टर दो तीन दिन चलाते चलाते आपको पता चलेगा। और जहाँ पे मैं हमेशा आना जाना करते रहता हूँ इस रोड से हमेशा आना जाना करते रहता हूँ, और ये हील्स है, तो हील्स में भी मुझे आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं पहले अगर लास्ट टाइम पे जो मैंने जहाँ पे मैं मेघालय साइड में गया था, तो मेघालय जाने के टाइम पे मुझे बहुत ऊपर चढ़नी पड़ी थी, बहुत ऊपर जाना पड़ा था, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी। जैसे कि यहाँ पे भी मैं ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ, ऊपर से जाना नीचे जाता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ, तो वैसा है। चलो ये रास्ते के बारे में हटाते, अब अभी बात करते हैं कि बहुत लोगों ने ये बाइक खरीदी,
अब आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि ये बाइक आपको खरीद के कैसे लग रही है, मतलब कि ये बाइक आपको कैसी मिल रही है, इसका प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इस बाइक में आपको क्या क्या मिल रही है आपको भाई, आपको सही सच्ची का मिल रही है। अगर अच्छे से आपको मिल रही है बाइक में, अगर आपको कंफर्ट मिल रही है बाइक का जो इंजन है, माइलेज है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ भाई बहुत मज़ेदार बाइक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी मुझे बता सकते कि आपको ये बाइक क्यों पसंद नहीं आ रही है। सो डैट्स ऑल। सो ओके, सो ये थी कुछ कुछ हल्की सी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी, जहाँ पे मैं आपको रिप्लाई अच्छे से रेस्पॉन्स दे नहीं पाता था, बट वही वीडियो के ज़रिए मैं आपको रेस्पॉन्स देते रहूँगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताऊँगा कि आपको इस बाइक में आपको कुछ भी अगर तकलीफ मिलेगी, कुछ डाउट्स रहा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं विवेक डायरीज, विवेक आनंद बोरा इंस्टाग्राम आईडी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते, लाइक कर सकते, शेयर कर सकते हैं। और बाकी क्या बताओ यार, बाकी तो यार उसमें मुझे बहुत सारी कुछ फिट करानी है, यहाँ पे मुझे लगानी है कुछ कुछ चीज़ें, जहाँ पे मैं इन फ्यूचर लॉन्ग राइड करने वालों, काफ़ी दूर करने वालों, तो उसके लिए मुझे पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्या क्या मुझे चेंज करना है। और यही चीज़ है भाई। ओके सो ठीक है, यही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना था। तो इस बाइक के ऊपर मैंने इस बाइक पर बहुत ही सारे वीडियोस बनाए, आज भी फिर बनाते रहूँगा और बनाते आज भी बनाया और बनाते रहूँगा भी। और माइलेज के ऊपर नो डाउट यार, माइलेज मुझे सही अच्छी मिल रही है। आपको फिर से दोबारा बता दो, माइलेज मुझे 40 के आसपास मुझे मिल रही है, जहाँ पे आई एम सो हैप्पी यार। सो ठीक है गाइस, ये गाड़ी वाली यार। सो गाइस चलो ठीक है, ये भी वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, ठीक है।